को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे मानव मुझे कह रहे हैं कि आज ऑफिस से बहुत थक कर आए, मेरा सर तब आ तो इसीलिए शायद मुझे पता ही नहीं चला। आपकी गलतफहमी दूर करने का ख्याल भी नहीं आया, माफ कर दीजिए। वो मेरा वो मतलब नहीं था। पता नहीं क्यों आपके साथ होती हो तो ऐसा लगता है जैसे अपने दिल की सारी बातें मैं आपसे कर सकती हूँ, मेरे दिल में जो आए वो कह सकती हूँ। जैसे आप मुझे जज नहीं करेंगे, जैसे आप मेरी सारी बातें समझते हो। मानव के जाने के बाद मैं इतनी अकेली हो गई, मैं तो शायद जी भी ना पाती अगर मेरी लाइफ में मीठी ना होती, और मीठी की वजह से ही मैं आपको मिल पाई। पर मेरा पता नहीं क्या होता, मैं इतनी अकेली हूँ, कोई सहारा नहीं है, कौन बनेगा मेरा सहारा। हम कुछ देर में घर के लिए निकलेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज शायद आखिरी बार मुलाकात हो रही है? नहीं, मैं अपने हाथ से ये मौका जाने नहीं दे सकती। कुछ भी करो, मुझे कुछ भी करके पाना ही है। आयशा जी, लेट्स गो। लेट्स गो। क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? Let me just tell him the truth. क्या सोच रही? Let's go. कुछ नहीं, बस यही कि आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपके इस एहसान का कैसे शुक्रिया अदा करूं? It's okay. लेकिन इतना काफी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आपकी और मदद की जरूरत है। कि नवरंग ये मेरा और मानव का सपना था, मानव ने बहुत ही प्यार से इसे शुरू किया था, लेकिन आप देख रहे हैं ना किस तरह से हमारे सपने इस वक्त बिखरे पड़े हैं। मैंने मानव से बहुत प्यार किया है, बहुत ज्यादा, और अब उनके जाने के बाद यही उनके सपने और उनकी यादें ही रह गई हैं मेरे पास। मैं अपने नवरंग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, क्योंकि नवरंग के होने से मुझे ऐसा लगता है कि मानव अभी भी मेरे साथ है। आप इस टूटते हुए सपने को बचा सकते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं अगर आप नवरंग में इन्वेस्ट करते हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, इस तरह से मना मत कीजिए, आप नहीं जानते हैं कि आपकी छोटी सी मदद मेरा कितना बड़ा सहारा बन सकती है। प्लीज, अगर आप नवरंग में इन्वेस्ट कर देंगे तो मानव का सपना पूरा हो सकेगा, मेरा नवरंग बच जाएगा। प्लीज प्लीज। ठीक,
मैं नवरंग के लिए 10-15 करोड़ दे दूंगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं करूंगा, ना ही मैं करना चाहता हूँ। और ये भी एक शर्त पर करूंगा कि आज के बाद आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे मुझे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बात पैसों की है ही नहीं, बात मेरे नवरंग की रेपुटेशन की है। मैं चाहती हूँ कि आपका नाम नवरंग से जुड़े। मैं चाहती हूँ कि आप नवरंग को मेंटर करें। अगर आप जैसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल इंसान मेरे नवरंग को सपोर्ट करेंगे तो हम वापस नवरंग को ऊंचाइयों पर ला सकेंगे। प्लीज रघु जी, आई रियली बेग ऑफ यू, प्लीज। मत कहिएगा, मैंने इस तरह से अपने हाथ किसी के आगे नहीं फैला। प्लीज प्लीज, जब तक मेरे पति थे मुझे किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन अब उनके सपने मेरा नवरंग बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज प्लीज, अब ना मत करिएगा, मेरे पास कोई और नहीं है जिससे मैं ये बात कहूँ। आप प्लीज नवरंग में इन्वेस्ट करिए, प्लीज मेरी मदद करिए। आपकी मदद है मैं नवरंग के सपने पूरे कर सकती हूँ, मैं अपने पति के सपने पूरे कर सकती हूँ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सुनो ना, मैं मानता हूँ तुम बहुत बड़ी स्टार हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। मुझे छोड़ कर मत जाओ। सुनो, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। तुम खुद मेरे करीब आए, मेरे मन में अपने लिए प्यार जगाया। अब जब से तुमसे इतना प्यार करने लगा कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, किसी और के होने की बात कर रही हो। ऐसा कैसे कर सकती हो? सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज डोंट डू दिस टू मी, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। तुम्हारे पांव पकड़ता हूं, डोंट डू दिस टू मी। मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे निराश मत करिए। एक्ट्रेस आप कमाल की हैं। ये तो मानना पड़ेगा, रिसर्च पूरी की आपने मेरे बारे में। आपको क्या लगता है, जिस आदमी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हो उसने अपना होमवर्क नहीं किया हो? मेरे आसपास जो कोई भी है वो क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, ये मैं जानता हूं। मैं जानता हूं आपके नवरंग को मेरी बहुत जरूरत है। सिर्फ नवरंग को ही नहीं, आपको भी मेरी बहुत जरूरत है। और आप आजकल जो मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं ना, मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हैं, ये सब मैं जानता हूं आयशा सरी, सब समझता हूं मैं। सिंपल आदमी हूं, बेवकूफ नहीं। आपको क्या लगता है, मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरे आसपास क्यों घूमती रहती है, क्यों मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है, क्यों मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है।
मेरी इंटेलिजेंस की इतनी बेइज्जती मत करें। आप एक्ट्रेस बहुत बढ़िया हैं आयशा जी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा आप में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप जैसी लड़कियां बहुत देखी हैं मैं, पर लगता है आपको मेरे जैसा आदमी पहले कभी नहीं मिला। आपने मेरे बारे में जो रिसर्च की होगी, जो तामझाम की होगी, आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज तक मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। अगर पता चला होगा तो आप सोच रही होंगी क्यों, इतना पावरफुल आदमी है, बिजनेसमैन है, वेल सेटल्ड है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई अफेयर नहीं। इसकी वजह है आयशा सरीन, और क्योंकि अब आप जैसी खूबसूरत बला मेरे पीछे पड़ गई, तो मुझे लगता है वजह आपको बता देनी चाहिए। वजह ये आयशा सरीन, दैट आई एम अ वेरी डिफिकल्ट मैन।